माननीय केंद्रीय रेल मंत्री महोदय रीवा की ओर रुख करेंगे और रीवा की इस लाडली दुलारी दुल्हन सी सजी वर्चुअल माध्यम से वे रीवा में उपस्थित होंगे और अपने आशीर्वचन से तथा उसके पश्चात इस रेल का सफर प्रारंभ करने की घोषणा करेंगे। हम पहले दिन आज कितना खुशी किया कि रीवा से बम्बई अनाउंसमेंट सुनें तो कहने में ये रीवा से बम्बई ट्रेन चले वाली है या इतना सुखद लाग जो उनके कोनो सीमा नहीं आए या क्षण बरकरार रहा ये ट्रेन बरकरार रहा है के लिए अभी जो एडीआरएम साहब ने जो बताया कि यहाँ से तो 50% है लेकिन बम्बई से आने वालों में ये फुल हो गई वेटिंग में चल रही तो सबसे हमारी ये विनती है कि सबको मिल के और एक पूर भर के भेजी अगले बेर जब आवे ये तो पूर भर के जाए इतना निवेदन है हमारा। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज रीवा स्टेशन से एक नई ट्रेन औद्योगिक नगरी मुंबई के लिए आरंभ होने जा रही है। जबलपुर मंडल द्वारा रीवा सहित पूरे विंध्य क्षेत्र को मुंबई से जोड़ने के लिए बहुत ही उपयोगी ट्रेन साबित होगी ऐसा हम लोगों का विश्वास है और माननीय के सुझावों के उपरांत हम लोगों ने इस पर अमल करते हुए इस ट्रेन को 10 ट्रिप के लिए अभी चालू किया है जो कि समर स्पेशल के नाम से चालू होगी। यह गाड़ी 20 कोच की है जो कि 16 बजे चल के और अपराह्न मुंबई पहुंचेगी और रीवा और मुंबई के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी को देगी जिसके लिए आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। इस ट्रेन की लोकप्रियता इस चीज़ से पता चलती है कि पहले दिन ही आधे से ज़्यादा बर्थ आप लोगों के द्वारा इसमें बुकिंग कर ली गई है और वापसी के लिए मुंबई से ये गाड़ी वेटिंग लिस्ट में चली गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। हमने आपको कल बताया था कि मंगलवार यानी कि 19 जुलाई 2022 को माननीय सीधी सांसद आदरणीय रीति पाठक जी ने माननीय रेल मंत्री से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी ट्रेन को शुरू कराने का निवेदन किया गया था। सीधी सांसद के आग्रह पर रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कोयला आपदा होने के कारण देश में ट्रेन कम संचालित है, परंतु आपके क्षेत्र की समस्या को देखते हुए सिंगरौली जबलपुर इंटरसिटी का शीघ्र संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही रीवा सीधी सिंगरौली रेल परियोजना के लिए माननीय रेल मंत्री ने तत्काल फोन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। जब माननीय सांसद द्वारा माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात की गई, उस बीच हमारे रीवा के माननीय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी भी पीछे नहीं हटे। माननीय सांसद द्वारा क्षेत्र की समस्या से अवगत कराते हुए रेल मंत्री से मुलाकात की गई। माननीय सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी के द्वारा निवेदन किया गया है कि पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा प्रारंभ की जा रही रीवा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के चलने की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बताया गया कि गाड़ी संख्या 02187 रीवा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच प्रत्येक गुरुवार को चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आगामी 28 जुलाई 2022 तक और वापसी में गाड़ी संख्या 02188 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रीवा के बीच प्रत्येक शुक्रवार को चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आगामी 29 जुलाई 2022 तक के लिए विस्तारित की गई है। माननीय सांसद के द्वारा जो पत्र लिखा गया उसमें सांसद जी के द्वारा निवेदन किया गया है कि इस ट्रेन को चलाई गई अवधि के दौरान रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है, यानी कि जब से ये ट्रेन शुरू हुई है। इस ट्रेन का शुभारंभ 28 अप्रैल 2022 से शुरू किया गया था। 28 अप्रैल 2022 से जुलाई का महीना चल रहा है, इस ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं है। सोचिए इस ट्रेन का राजस्व कितना आ रहा है, यानी कि ये ट्रेन सक्सेसफुल हो चुकी है। ये बात तो रीवा क्षेत्र की जनता जानती ही थी कि रीवा से मुंबई के बीच ट्रेन का चलना कितना ज्यादा जरूरी था। माननीय सांसद के द्वारा आग्रह किया गया है कि इस ट्रेन को चलाई गई अवधि के दौरान रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है। इस गाड़ी की लोकप्रियता को देखते हुए तथा आसपास के सभी क्षेत्रवासियों को ध्यान में रखते हुए रीवा मुंबई ट्रेन को नियमित रूप से चलाया जाए, जिसमें विंध्य क्षेत्र के यात्रियों, इलाज के लिए जाने वाले मरीजों, विद्यार्थियों, व्यापार एवं नौकरी पेशी लोगों के लिए सुविधा प्रदान होती रहेगी। माननीय रेल मंत्री ने इस विषय पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। माननीय सांसद
आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा के तरफ से ये एक सराहनीय कदम उठाया गया है। माननीय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी के वजह से रीवा मुंबई ट्रेन रीवा वासियों को मिली है। उनके कड़े प्रयासों से रीवा से नई नई ट्रेनों का शुभारंभ हुआ है। माननीय सांसद के द्वारा प्रयास किया जाता है कि विंध्य क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन की सुविधा मिल सके। तो कुल मिला के माननीय रेल मंत्री जी के तरफ से सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है, यानी कि रीवा मुंबई ट्रेन को नियमित किया जाएगा। हालांकि इस ट्रेन की समय सारणी अच्छी है, इस ट्रेन के समय सारणी में संशोधन करने की मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन 5:30 बजे के आसपास रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना होती है मुंबई के लिए। आपकी क्या राय इस ट्रेन के समय सारणी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। माननीय सांसद के द्वारा एक प्रयास उनको और करना था, हालांकि माननीय सांसद के द्वारा प्रयास किया गया है, लेकिन अभी इस विषय पर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं आई है। आपको बता दें कौन सा प्रयास किया गया था, रीवा से डॉक्टर अम्बेडकर नगर इंदौर के बीच चलने वाली रीवा इंदौर ट्रेन। इस ट्रेन को हफ्तों के 3 दिन चलाया जाता है और इस ट्रेन को रात में 11:30 बजे रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना किया जाता है। आपको सोचिए जहाँ से ट्रेन शुरू हो रही है वहाँ पे 11:30 बजे का समय ठीक नहीं है। इस ट्रेन को इतना भी अगर आप लेट करते हैं तो कम से कम 9 बजे इस ट्रेन को रवाना किया जाना चाहिए, या फिर शाम को 6 बजे रवाना किया जाना चाहिए, क्योंकि 8 बजे रिवांचल एक्सप्रेस भोपाल की ओर प्रस्थान करती है। तो रिवांचल से 2 घंटे बाद या फिर रिवांचल से 3 घंटे पहले इस ट्रेन को रवाना करना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर के लिए। अगर इस ट्रेन को शाम को 6 बजे भी रीवा से इंदौर के लिए प्रस्थान किया जाए तो ये ट्रेन काफी समय से उज्जैन पहुंच सकती है, काफी समय से ये ट्रेन इंदौर पहुंच जाएगी, जिसमें जो विद्यार्थी वर्ग हैं जिनको उसी दिन कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, वो बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाएंगे। जिस हिसाब से रिवांचल जाती है, रिवांचल 5:30 बजे हबीबगंज टच कर देती है, यानी कि जिस दिन बच्चों को कॉलेज जाना होता है तो वो संडे को रीवा से भोपाल के लिए ट्रेन बैठते हैं और सीधे 5:30 बजे वो हबीबगंज स्टेशन उतर जाते हैं, जिसका अब नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। तो 5:30 बजे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचकर वो आधे घंटे में अपने कमरे में पहुँच के नहा धो के आराम से अपने कॉलेज स्कूल या फिर अगर अपना ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में पहुंच सकते हैं। ऐसा ही टाइम सही होना चाहिए ताकि ये ट्रेन बिल्कुल सुबह सुबह 6 बजे के आसपास इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंच जाए। ट्रेनों की लोकप्रियता तब बढ़ती है जब ट्रेनों की समय सारणी अच्छी होती है, जनता के हित में होती है, उसके बाद ही ट्रेनों की लोकप्रियता बढ़ती है। अगर कितनी भी महत्वपूर्ण ट्रेन को क्यों न चला दिया जाए और इस ट्रेन की समय सारणी सही नहीं रहती है तो उस ट्रेन की लोकप्रियता उसके समय सारणी से ही खराब हो जाती है। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय।